साथियों आज की जानकारी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है, बिजनेस लोन है या किसी तरह का भी अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कोई कोलेट्रल, कोई मोर्गेज प्रॉपर्टी या कुछ रखा नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका लोन 10-15 मैक्सिमम 20% पर सेटल हो रहा है, हो जाता है। तरीका जान लीजिए बस, क्रेडिट कार्ड का अगर आपका आउटस्टैंडिंग है मान लीजिए 2 लाख रुपए का, तो मैक्सिमम कितने पर, मैक्सिमम 10% पर होगा तो 20,000 रुपए में सेटल हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, 30 में, 35 में, मैक्सिमम 40 में, 40,000 से ज्यादा आपको नहीं देने पड़ेंगे। अगर पर्सनल लोन है 10 लाख रुपए का तो मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। बिजनेस लोन है तो भी ऐसा ही होगा, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आप बहुत आसानी से 10-15-20% पर सेटलमेंट करा सकते हो। अब कैसे कराना है, सबसे पहली बात तो सेटलमेंट के लिए जब तक बैंक की तरफ से ऑफर ना आए अपनी तरफ से ऑफर मत देना, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से ऑफर दिया कि मैं लोन सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं क्रेडिट कार्ड का अमाउंट सेटल करना चाहता हूं, तो ये माना जाएगा आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है आपके पास पैसा था लेकिन आपने जानबूझ करके डिफॉल्ट किया किसको, आप पैसा मारना चाहते हैं, आप पैसा नहीं देना चाहते। ऐसे केस में बैंक ज्यादा रियायत नहीं देता। अगर मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए का है तो बैंक कहेगा ठीक है हम 20% छोड़ देंगे, 30% छोड़ देंगे, और कई लोग मान जाते हैं इस पर 20% पर, 30% पर, और वो भी बैंक एक दिन में नहीं बोलता, बैंक उसके लिए भी समय लगाता है कि ठीक है मैं अप्रूवल लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, कोई अप्रूवल नहीं है। जबकि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है आपको रिकवरी के लिए उसका भी 10-15-20-30% का कमीशन है, उसे भी कुछ पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो बार बार आपको कॉल करता है, करेगा, उसका कॉल आने दीजिए। अगर पहला कॉल आ जाए कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, आप बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर वाकई आपके पास पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो आप किस्त देते रहिए, लोन भरते रहिए, लेकिन अगर वाकई आपकी जेन्युइन स्थिति है, आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं, आपकी स्थिति खराब हो गई है, नौकरी छूट जाने, व्यापार बंद हो जाने या किसी भी कारण से आज आपकी स्थिति नहीं रही कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग दे सके, पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग दे सके, बिजनेस लोन का आउटस्टैंडिंग दे सके, जो भी आपका अनसिक्योर्ड लोन है उसका आउटस्टैंडिंग दे सके, तो आप क्लियरली बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक कहेगा हम एक्शन लेंगे, नोटिस देंगे, देंगे, कहेंगे आप जो करना है आप कर लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर क्या होगा, 2-3 बार कॉल करने के बाद, हो सकता है वो आपको धमकी देने के बाद, हो सकता है किसी वकील का नोटिस भेज भी दे आपको, कोई बात नहीं, वकील का नोटिस आएगा, जवाब दे दीजिएगा मेरे पास पैसे नहीं, और अपना कारण लिखेगा कि जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, जब मैंने पर्सनल लोन लिया था, बिजनेस लोन लिया था, तब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अपने बारे में बताइएगा, अपने सिविल के बारे में बताइएगा, वर्तमान के बारे में बताइएगा, आज आपकी स्थिति क्यों खराब हुई, जवाब दे देंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा होगा तो लोक अदालत का नोटिस आएगा, लोक अदालत चले जाना, जज साहब से रिक्वेस्ट कर लेना, जज साहब मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या होगा, आप बैंक कहेगा आप सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते, बैंक का सीनियर मैनेजर बात करेगा, बैंक का सीनियर कुछ नहीं होता, उसी की टीम के दूसरे लोग होंगे, हो सकता है जिस रिकवरी एजेंसी को काम दिएगा उसका टीम लीडर हो, उसका मैनेजर हो, वो बात कर ले भाई साहब आप सेटलमेंट कर लो, मैं बहुत अच्छा ऑफर दे दूंगा। आप उनसे बोलो भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी आप बताइए मुझे क्या ऑफर दे सकते हैं, अगर 2-4-5 हज़ार रुपए की बात है तो मैं भर दूंगा। अब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है और आप बोलो 2-4-5 हज़ार रुपए की बात है तो क्या, नहीं साहब 2-4-5 हज़ार रुपए थोड़ी होगा, बोलो मेरे पास है ही नहीं ना, मैं अपने बच्चों को कैसे कैसे पाल रहा हूं, मैं अपना घर कैसे चला रहा हूं, मैं कहां से भरूंगा, मेरे पास नहीं है। आपको जो एक्शन लेना है ले लीजिए, मैं जज साहब को भी जाके ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं। फिर वो कहेगा नहीं 2-4-5 हज़ार नहीं, आप मैक्सिमम बताओ कितना जा सकते हो, तो आपने मैक्सिमम 10% से ऊपर नहीं जाना, जब आप 10% पेड़ हो गए तो वो 20% पेड़ जाएगा, नहीं आपको इतना देना है, फिर आप आराम से बार्गेन करके 15%, 18%, मैक्सिमम 20% पर सेटलमेंट कर लेना। लेकिन ऑफर उधर से आनी चाहिए, अपनी तरफ से ऑफर मत देना। अगर आपने अपनी तरफ से ऑफर दे दी, यकीन मानिए बैंक सेटलमेंट अपनी कंडीशन पर करेगा, बैंक आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन बैंक को भी पता अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक कुछ नहीं कर सकता इस अनसिक्योर्ड लोन में। बहुत ज्यादा होगा केस करेगा, केस करेगा तो आप जाकर के जज साहब से भी यही बोलेंगे, और क्योंकि आप सच्चे हैं, आपकी एक्चुअल में स्थिति खराब है, आपकी नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ, आपके पास कमाई का साधन नहीं है, जब आप सच बोल रहे हैं, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट सामने बोल रही होगी, बैंक को भी आपकी फेवर में, जज को भी आपकी फेवर में, वकील को भी आपकी फेवर में बोलना पड़ेगा, आपकी बात मानी जाएगी। शुरुआत मत करिए और फिर देखिए 10-15-20% जहां सेटलमेंट होता हो और जहां आपको लगे मैं इसको निकल सकता हूं निकल जाइए। बहुत सारे लोगों का हमने 10-15-20% पे इस तरह से गाइड करके सेटलमेंट कराया, हमने नहीं कराया मतलब उन्होंने खुद करा लेकिन हमने उनको गाइड करा। गलती क्या करते हैं, लोग अपनी तरफ से ऑफर दे देते हैं मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, फिर बैंक अपनी कंडीशन लगाना शुरू कर देता है, सरचार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये वो सब लेट फीस वगैरह लगाता है। जब बैंक की तरफ से ऑफर आएगा तो बैंक वो सब नहीं लगाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पर बात होगी और उसका 10-15-20% जितने पर भी सेटलमेंट हो जाए उतने पर सेटलमेंट कर सकते हैं।